जियो फोन थ्री कब लॉन्च होगा, जियो फोन थ्री हमको कैसे मिलेगा, क्या आप सब भी लोग यही सोच रहे हैं, क्या आप सब भी लोग जानना चाहते हैं जियो फोन थ्री की कंफर्म डेट, क्यों नहीं लॉन्च हुआ जियो फोन थ्री 12 अगस्त को, क्यों ये सब फेक वीडियो हमको देखने को मिलती है, आप लोग सब लोग यही जानना चाहते हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा आज की इस 2-3 मिनट की वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस कर दो। वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का ऑप्शन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उस पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो सबसे पहले आप लोगों का दिल से धन्यवाद, हमारी 1 लाख यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, जो 11 महीने में 1 लाख कंप्लीट, 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, दिल से धन्यवाद, थैंक्स फॉर गाइस। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और गाइस यार दिल से धन्यवाद। तो चलो यार आज के इस शुभ मौके पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइस जियो फोन 3 की आपको कैसे बुकिंग करना है। और उससे पहले गाइस मैं आपको एक अच्छी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ। तो यार वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का ऑप्शन मिले, वीडियो के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एक जैसे ही टाइटल पे क्लिक करेंगे ब्लू लिंक, ब्लू कलर की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे लिखा होगा 100 रुपये डाउनलोड ऐप करते ही। तो उस एप्लीकेशन को आप लोग गाइस डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करते ही डायरेक्ट आपको 50 रुपये का फ्री है जो पेटीएम कैश मिलेगा, एंड गाइस जैसे ही आप उसको रोज़ रोज़ ओपन करेंगे तो आपको पेटीएम कैश मिलता रहेगा। तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी जी ने अभी गीगा फाइवर को है जो लॉन्च किया है, लेकिन जियो फोन 3 को क्यों नहीं लॉन्च किया है यार जियो फोन 3। तो गाइस यार मैं आपको बहुत ही ध्यान से बताने जा रहा हूँ, मतलब बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो यार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरा से भी स्किप ना करें, एंड वीडियो को लाइक तो जरूर से कर ही दीजिए यार। तो सो गाइस यार आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी जी ने पहले जो अपना जियो फोन लॉन्च किया था, फिर जियो फोन 2 लॉन्च किया, एंड गाइस अब बारी आई थी जियो फोन 3 की। लेकिन यार जियो फोन 3 क्यों नहीं लॉन्च हुआ, क्योंकि यार जियो फोन 3 का प्राइस मात्र रखा जा रहा है 1500 रुपये में, और साथ ही साथ जो जियो फोन था वो भी है जो उसका भी प्राइस है 1500 रुपये में। तो यहाँ पर मतलब उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था प्राइस को लेके, और गाइस उसका प्राइस मतलब दोनों सेम रहेंगे तो फिर जियो फोन नहीं चलेगा, और थोड़ा सा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इसीलिए गाइस उन्होंने इसका प्राइस रखा है 4500 रुपये। मतलब यार अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या यार ये लोग चूतिया बनाते हैं, अभी 1500 था इतनी जल्दी 4500 हो गया, ये है वो है। सो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब 4500 रुपये कोई भी है जो ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए भी बहुत होते हैं 4500 रुपये। लेकिन यार 4500 रुपये में आपको नॉच डिस्प्ले वाला फ़ोन मिलने वाला है, साथ ही साथ वहाँ पर आपको 3 GB रैम एंड 64 GB की इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे मतलब 2 मॉडल आने वाले हैं जियो फोन के, मैंने आपको कई बार बताया है, लेकिन अभी क्या है कि जियो फोन 3 का सिर्फ 1 मॉडल आने वाला है, वो आएगा गाइस 4500 रुपये में, और वो मतलब 3 GB रैम के साथ आएगा। यार 4500 रुपये में आपने अभी तक कोई भी फ़ोन नहीं सुना होगा, एक फ़ोन है मैं आपको बताता हूँ, रियलमी है, वो जो 6000 का है, उसके भी 3 GB रैम है, लेकिन यहाँ पर यार मतलब 4500 रुपये में जियो फोन 3 लॉन्च होने जा रहा है, और गाइस यहाँ पर उसमें 3 GB रैम एंड 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, साथ ही साथ आपको 3800 mAh की बैटरी का बैकअप देखने को मिलता है, एंड गाइस वहाँ पे आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर भी देखने को मिलता है। अगर गाइस हम बात करें इसमें मेमोरी कार्ड की, तो 128 GB तक आप इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, एंड गाइस यार आप उसको काफ़ी स्मूथली यूज़ कर पाएंगे, फिर चाहे वो पबजी गेम हो या फिर कोई भी गेम हो, आप उसमें है जो बगैर हैंग एंड लैग किए आराम से खेल सकते हैं। और गाइस अगर हम बात करें जियो फोन 3 की कैमरे की क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में DSLR सपोर्ट दिया जा रहा है, और बैक में DSLR सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, मतलब फ्रंट में DSLR सपोर्ट मिलेगा, और फ्रंट का है जो मेगापिक्सल आपको दिया जा रहा है 8, एंड रियल कैमरा आपको मिल रहा है 13 MP का। और साथ ही साथ बात करें जो जियो फोन 3 की है जो चार्जिंग के बारे में, तो यहाँ पे 1.5 घंटे में आपका है जो 75% तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा, मतलब यार फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आराम से आप उसको जल्द ही चार्ज कर सकते हैं। एंड बात करें बैटरी की, तो आप 1 दिन तक आप उसको दिन भर अगर यूज़ करेंगे फिर भी नहीं ख़त्म होगी, फिर चाहे वो ऑनलाइन गेम आप खेल रहे हो या फिर इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन 1 दिन तक आपको वो अच्छा बैकअप देगी। तो यहाँ पर मतलब बात आ रही है कि यार 1500 रुपये में लॉन्च होना चाहिए था, फिर ये 4500 रुपये में क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है, ये है वो है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार आपको मैंने अभी बताया कि फिर जियो फोन 3 का जो गिर जाएगा, जियो फोन गिर जाएगा और उसका नहीं चल पाएगा। तो यही था आज के वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जियो फोन 3 भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।